चाणक्य आई ए एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे हाल ही में चीन में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में चीन के सबसे बड़े शहर और ग्लोबल फाइनेंशियल हब शंघाई में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों का विरोध हो रहा है चीन के लोग जिनपिंग की नीतियों से बेहद गुस्से में हैं चीन में जीरो कोविड नीति के चलते चीन के हर हिस्से में गुस्से की लहर फैल रही है सख्त लॉकडाउन से 66 लाख लोग घरों में कैद हैं ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी ये लोग परेशान हैं कुछ वक्त पहले तक ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल लगता था लेकिन एक अपार्टमेंट में लगी आग की चिंगारी ने हज़ारों लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है प्रदर्शनकारी जीरो कोविड नीति के चलते लगी पाबंदियों को तोड़ रहे हैं अब हम बात करेंगे तत्कालीन घटनाक्रम के बारे में चीन के शिंगजियांग प्रांत की राजधानी उरूमकी में आग की घटना का मामला चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया लोग इसकी तुलना डॉक्टर ली लियांग से कर रहे हैं डॉक्टर ली वैन लियांग ने 2020 में सबसे पहले अपने एक दोस्त को कोरोना वायरस के आने की चेतावनी दी थी इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया बाद में वेनलियांग की कोरोना से ही मौत हो गई थी उरुमकी की घटना से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है लोगों का कहना है कि कल को अगर हमारे घर में आग लग गई तो हम भी अपने घर के अंदर बंद होकर ऐसे ही मारे जा सकते हैं इसके बाद से ही चीन के शंघाई समेत कई शहरों में जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जैसे देश में प्रदर्शनों का होना कोई आम बात नहीं है इसके दो उदाहरण हैं जैकमा मा ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंड ग्रुप के फाउंडर हैं 24 अक्टूबर 2020 में शंघाई में चीन सरकार की नीतियों की आलोचना इन्होंने की थी इसके बाद उनके गायब होने की खबरें आती हैं और फिर वो सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं देते दूसरा उदाहरण है रैन जी कियांग, चीन के रियल स्टेट टाइकून थे ये और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी 12 मार्च 2020 को जिनपिंग की कोविड नीति का आलोचना करने के बाद ये गायब हो जाते हैं सितंबर 2020 में इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है एक दिन की सुनवाई के बाद 18 साल की सजा इनको सुनाई जाती है चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में इस तरह के प्रदर्शन क्या मायने रखते हैं चीन में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का होना बड़ी बात है चीन ने बहुत सारे देशों को कर्ज दिया हुआ है ज्यादातर पैसा डूब गया है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई के तहत कई प्रोजेक्ट जो है कॉलेप्स हो चुके हैं ऐसे में चीन ने जो करोड़ों रुपए का निवेश किया था वो डूब गया है इसकी वजह से आज चीन के बैंकों की हालत खराब है चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है लोगों के पास अपने घर की ई देने के लिए भी पैसा नहीं है कई लोगों ने बैंकों को ई देने से इनकार भी कर दिया है वहीं जिनपिंग ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया है उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है चीन ने कोरोना की सबसे अच्छी विदेशी वैक्सीन को अपने देश में आने ही नहीं दिया साथ ही उन्होंने जो घरेलू वैक्सीन बनाई वो कारगर नहीं साबित हुई अब हम बात करेंगे कि विरोध के मुख्य कारण क्या हैं कुछ कारण तात्कालिक होते हैं जो विस्फोटक का, का काम करते हैं और कुछ कारण सालों पहले उपजने शुरू होते हैं तो पहला कारण है कड़ी पाबंदियाँ 26 नवंबर को चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के चौंतीस नए मामले सामने आए ये 2019 के बाद चीन में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा दैनिक मामले हैं यहाँ हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं इसी वजह से चीन के कई बड़े प्रांत जैसे शंघाई शिंजियांग वुहान में लॉकडाउन लगाया गया है इन शहरों में सभी तरह के कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है इन पाबंदियों की वजह से लोगों की आमदनी में कमी आ रही है यही वजह है कि लोग खाने पीने और घूमने में कम खर्च कर रहे हैं विरोध के अन्य कारणों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ का ना होना चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक ने इस बात की संभावना जताई थी कि सितंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि शी जिनपिंग सरकार बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च कर रही है चीन के लोग तब हैरान हो गए जब एक प्राइवेट कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट जारी की और कहा कि सितंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग और कारखाने की गतिविधियों में भारी गिरावट आई है इसके अलावा इकोनॉमिक सुधार पर कोई फैसला ना लिया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साल यानी कि 2022 के अगस्त महीने में इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए ग्यारह लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था ये पैसा चीन में छोटे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश किया गया हालांकि कोरोना की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हुआ और बेरोजगारी बढ़ी है उसकी भरपाई के लिए ये पैसा बहुत कम है रियल एस्टेट मार्केट संकट में है ये भी एक मुख्य कारण है रियल एस्टेट सेक्टर के कमज़ोर होने और हाउसिंग सेक्टर से भरोसा कम होने की वजह से चीन की इकोनॉमी स्लो हुई है चीन की कुल जीडीपी में रियल एस्टेट और इससे जुड़े सेक्टर का 30 प्रतिशत योगदान है अब खरीदारों ने बन रहे घरों के लिए पहले किस्त देने से इनकार कर दिया है वहीं नए घरों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं शहरों में घरों की कीमतें बीस तक कम हो गई हैं यही वजह है कि इस सेक्टर से जुड़े व्यवसायी और दूसरे लोग घबराए हुए हैं सरकार से उचित मदद नहीं मिलने की वजह से ये लोग गुस्से में हैं मौसम बदलने की वजह से भी परेशानियां बढ़ी हैं चीन में मौसम बदलने का असर यहाँ के इंडस्ट्री सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है इस साल अगस्त में दक्षिणी पश्चिमी प्रांत शीचुआन और सेंट्रल बेल्ट के चोंगकिंग शहर में भीषण गर्मी के बाद सूखा पड़ा इसके बाद एयर कंडीशन के इस्तेमाल बढ़ने की वजह से यहाँ बिजली की मांग भी बढ़ गई प्रशासन ने आईफोन फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की बिजली काट दी इसकी वजह से कंपनियाँ कुछ दिनों के लिए बंद हो गई चीन के स्टैटिस्टिक ब्यूरो ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में 2022 के शुरुआती सात महीनों में लोहा और स्टील इंडस्ट्री की आमदनी में 80 प्रतिशत तक कमी आई है यही वजह है कि चीन सरकार ने करोड़ों रुपए एनर्जी कंपनियों और किसानों को मदद के तौर पर दिए हैं हालांकि लोग और ज़्यादा सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन भी किए हैं इन कारणों में बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है चीन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में टेक कंपनियों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पिछले दो साल में चीन की टेक इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है टेसेंट और अलीबाबा कंपनी की रेवेन्यू लगातार दूसरी तिमाही में गिरी है साल की तीसरी तिमाही में टेसेंट के रेवेन्यू में 50 परसेंट की गिरावट आई है वहीं अलीबाबा कंपनी की नेट इनकम आधी रह गई है इसका सीधा असर यहां के नौजवानों पर पड़ रहा है यहां 16 से 24 साल के हर पाँच में से एक नौजवान बेरोज़गार हैं एक्सपर्ट का कहना है कि शी जिनपिंग ने जिस तरह से बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है इससे निवेशक भी डर रहे हैं सरकार किसी भी बड़ी कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है ऐसे में यहाँ पैसा लगाना खतरे से खेलने जैसा है इससे ना सिर्फ चीन के बिजनेसमैन बल्कि यहाँ की सरकार के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है फैक्ट्रियों में कैदियों जैसा व्यवहार किए जाने से भी गुस्से में है यहाँ के युवा सरकार ने कंपनियों के लिए नियमों में छूट दी है इसके चलते युवा अब फैक्ट्री में काम करने से कतरा रहे हैं कई कंपनियों में कुशल टेक्नीशियन की और युवा स्टाफ की भारी कमी देखी जा रही है तो इन सभी कारणों से चीन में प्रदर्शन हो रहे हैं आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट